लखनऊ के चिन्हट इलाके में रहने वाले एक परिवार अपने मृतक बेटे को न्याय दिलाने के लिए दर दर भटक रहा है। मृतक आदर्श पांडे के परिवार ने एरा मेडिकल और इंटीग्रल हॉस्पिटल पर अंग तस्करी का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। मृतक की बहन ने आरोप लगाते हुए कहा, मेरे भाई की हत्या हुई। इसके साथ ही उन्होंने कहा, मेरे भाई को निमोनिया हुआ था लेकिन उसको कोरोना पॉजिटिव बताया गया, उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। इस दौरान उसने हॉस्पिटल में एक पेशेंट को मारकर बॉडी पार्ट्स निकालते हुए वीडियो बना लिया। हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने उसे वीडियो बनाते हुए देख लिया था, जिसके बाद उसे प्रताड़ित किया गया और फिर उसको भी मारकर उसके ऑर्गन्स निकाल लिए गए। वहीं मृतक की बहन ने डीसीपी ईस्ट चारू निगम पर भी मामले को दबाने का आरोप लगाया है। इंटीग्रल हॉस्पिटल एरा हॉस्पिटल की मिली भगत से युवा जवान बच्चों को मर्डर किया जा रहा है, उनके अंग निकाले जा रहे हैं, बॉडी नहीं दिखा रही। कोरोना के नाम पे इन लोगों ने लूट मचा रखी, इनको विदेश से फंडिंग आती, एक बॉडी पर 2 करोड़ रुपए मिलते हैं। मेरा ऐसा दावा है कि विदेशी फंडिंग आ रही, यहाँ सऊदी अरब से आ रही है कि पाकिस्तान से आ रही कि बांग्लादेश से आ रही, ये जांच का विषय है। तो मैं इंस्पेक्टर साहब की बात को ही रखते हुए कि उन्होंने मुझे बताया इतना बड़ा नेटवर्क है, आप इसको कुछ नहीं कर सकते। ये SHO गुड़म्बा ने कहा था, मैं पहले थाना चिन्हट गया हूँ, वहाँ के निवासी हूँ। बेटी को धमकी आती है कि जो तेरे भाई का हाल हुआ है वही हाल तेरा होगा। कोरोना पेशेंट बताकर जबरदस्ती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया कि तुमको कोरोना है, जब वो हॉस्पिटल में था तो वो नेगेटिव था, जिसके मेरे पास प्रूफ है। लेकिन उसने एक चीज देख ली थी, उसकी वजह से उसकी हत्या कर दी गई। उसने बगल के बेड में एक युवा लड़के को मारते हुए वीडियो बना लिया था, जो कि आज भी फोन हॉस्पिटल पे है। वहाँ के हॉस्पिटल वालों ने वीडियो बनाते हुए देख लिया और उसको टॉर्चर किया और उसको मारकर उसके ऑर्गन्स निकाल लिए। मैं लगातार वहाँ, मुझे व्हाट्सएप चैट आया था 21 तारीख को, मेरे भाई ने मुझे मैसेज किया कि ऐसा ऐसा है, मेरी जान को खतरा है, मुझे निकाल लो वरना ये लोग मुझे मार देंगे और आज रात में मेरी लाश मिलेगी तुम्हें। मैं लगातार 24 को मेरे भाई को मारा गया था, 26 से को हमें सूचित किया गया। मैं 28 सितंबर से दौड़ रही हूँ, अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है।